डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्प टीवी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्किट एनालिसिस के कुछ बेसिक्स। मैंने आपको बताया था कि सर्किट एनालिसिस क्या होती है। सर्किट एनालिसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि सर्किट एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, करंट फाइंड करते हैं किसी भी ब्रांच के थ्रू, या हम वोल्टेज फाइंड करते हैं किसी भी ब्रांच के अक्रॉस। मीन्स कि हम वोल्टेज और करंट फाइंड करते हैं सर्किट में। ओके, आज हम सर्किट एनालिसिस के कुछ डेप्थ में जाने वाले हैं और कुछ ऐसे मेथड्स हम स्टडी करेंगे जो कि सर्किट एनालिसिस की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, और इनसे आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के थ्रू करंट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी मेथड, सर्किट एनालिसिस मेथड। फर्स्ट इज मैश एनालिसिस, सेकंड इज नोडल एनालिसिस। ओके, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस दी मैश एनालिसिस मेथड। ओके, व्हाट इज मैश एनालिसिस मेथड, व्हाई इट इज यूज्ड, एंड एग्जांपल ऑफ दी मैश एनालिसिस मेथड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर एफेक्टिवली। ओके, लेट्स स्टार्ट विद definition of the mesh analysis. Okay, mesh analysis is basically used to find the currents of the loop. Okay, currents of the loop. Mesh analysis ke maine kuch 5 steps banaye hain aapke liye taaki aap mesh analysis ki problems ko easily solve kar sake. Okay, first step, aapne sabse pehle loops ko identify karna hai. Okay, ye circuit hai, isme hum sabse pehle loops ko identify karte hain. तो हेयर टू लूप्स, I1 I2, देर आर टू लूप्स इन दिस सर्किट। ओके, I1 और I2। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैंने अभी आपको बताया कि मैश एनालिसिस यूज होता है किसी भी सर्किट के अंदर जो लूप के करंट होते हैं ना, वो मैश एनालिसिस के जरिए, मेथड के जरिए से आप फाइंड कर सकते हैं। I1 और I2 आ गया। सेकंड स्टेप इज, आप जब लूप्स आइडेंटिफाई हो गई, आपने करंट को ड्रॉ कर दिया कि कौन कौन से अननोन करंट आपने फाइंड करने हैं, उसके बाद आप ईच एलिमेंट को पोलैरिटी असाइन कर दें इस तरह से। ओके, जब पोलैरिटी भी असाइन हो गई तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने केवीएल लगाना है। लेकिन केवीएल लगाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपके सर्किट में कोई भी करंट सोर्स है तो उसको आपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, अब कन्वर्ट किस तरह करेंगे, आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ से क्लियर करता जाऊँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू ट्रांसफॉर्म वन सोर्स इंटू अनदर, हाउ वी ट्रांसफॉर्म द करंट सोर्स इंटू वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स इंटू करंट सोर्स। ओके, सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम सोर्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि बस ऐसे सर्किट्स आएंगे, बस ऐसे कम्प्लेक्स सर्किट्स आएंगे जहाँ पे आपको सोर्स आपके सर्किट में मौजूद होगा और आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके वोल्टेज सोर्स में लाना होगा और उसके बाद आपने केवीएल लगाना है। ओके, सो अब हम पहले हम सीख लेते हैं कि सोर्स किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक करंट सोर्स है, ओके, अब ये करंट सोर्स है, इसको आपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो V होगा, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। ये क्या आ गया, करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब हम सीख लेते हैं कि आप अगर आप इस मैश एनालिसिस में, तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको जनरल एक बात बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े कि आपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, ये एक सर्किट है,
और इसमें आपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो आप कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, जस्ट आपने आई, जबकि यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो होगी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। आई की वैल्यू होगी वी ओवर आर। आप इस मेथड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के इस कन्वर्जन को यूज़ करके किसी भी सर्किट में अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आप वोल्टेज सोर्स को यूज़ कर सकते हैं और करंट सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि मैश एनालिसिस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हम सर्किट एनालिसिस में। ओके, मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि आपने सबसे पहले लूप के करंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जब आपने लूप के करंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब ब्रांचेस को लेबल करके उनके जो पोलरिटीज हैं उनको असाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, जब आपने ये दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप केवीएल अप्लाई करें। लेकिन केवीएल अप्लाई करने से पहले आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, और हमने अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को भी सीख लिया कि किस तरह से आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी इक्वेशंस को, और इस मैश एनालिसिस को हम किस तरह यूज़ करेंगे और इससे हम किस तरह मैश करंट्स को फाइंड करेंगे ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और मजीद जो है ना कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को एनालाइज करेंगे कि उनमें से हम कैसे लूप करंट को किसी ब्रांच के अक्रॉस करंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले लूप वन के जो है ना इक्वेशन केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल, लूप वन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कितनी इक्वेशंस आएंगी, दो इक्वेशंस आएंगी, एक लूप वन की एक लूप टू की। जब ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो हम कैलकुलेटर में दो इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली यूज सॉल्व करके हम आई वन आई टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास आई वन आई टू आ जाएंगे तो फिर हम किसी भी ब्रांच पे करंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक और मेथड है इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करने का, वो है क्रेमर्स रूल। उसको भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं मौजूद तो आप उसको भी यूज़ करके कर सकते हैं, वो भी ईजी मेथड है। ओके, वो थोड़ा तो सा लेंथी हो जाता है लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो। ओके, सबसे पहले हम लूप वन की इक्वेशन लिख लेते हैं। लूप वन की इक्वेशन है वी माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन माइनस आई टू आर टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो ब्रांच है इस ब्रांच में दो करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक लूप टू का फ्लो कर रहा है और एक लूप वन का फ्लो कर रहा है। अब हम कैसे लिखेंगे, जो करंट ऊपर की तरफ से आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो करंट नीचे की तरफ से आ रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। मीन्स आई वन माइनस आई टू आर टू, इस ब्रांच के अक्रॉस हमारे पास, इस ब्रांच के थ्रू हमारे पास दो करंट फ्लो कर रहे हैं उसको हमने लिख दिया। ये क्या आ गई हमारे पास लूप नंबर वन। अब हम बात कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन आर टू प्लस आई टू आर टू इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमारे पास है लूप टू। लूप टू, अब लूप टू अप्लाई करें, सेम प्रोसीजर है आपके पास, तो यहां से आप इसको स्टार्ट करें आई टू आर टू प्लस वी, आई टू आर टू प्लस वी एंड प्लस आर टू इंटू आई टू माइनस आई वन। यहाँ पे जब आप फाइंड करेंगे तो इसका पहला करंट कौन सा वाला है आई टू, दूसरा करंट कौन सा है आई वन, इसको हमने इक्वल टू जीरो कर दिया। अकॉर्डिंग टू केवीएल सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन क्लोज पाथ इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई वन की और आई टू की, और जब हम आई वन आई टू की वैल्यू तो हम किसी भी एलिमेंट के थ्रू जो है ना करंट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम मजीद इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके।
ओके सेम स्टेप्स जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लूप्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। आई वन, आई टू, आई थ्री, लूप्स आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो नोड्स हैं उनको आपने कर देना है ए बी सी डी एच। आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लूप वन को, सबसे पहले लूप वन की इक्वेशन लिखनी है, लूप टू की इक्वेशन लिखनी है, फिर लूप थ्री की इक्वेशन लिखनी है, और उन तीनों इक्वेशंस को सिमिलरली सॉल्व करके आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करें, टेन माइनस आई वन इंटू टू माइनस फोर इंटू आई वन माइनस आई टू इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन है वो है, यहाँ से अप्लाई करें क्या आता है, आई टू इंटू वन प्लस सिक्स ओम पे हमारे पास दो आ रहे हैं, आई आई टू माइनस आई थ्री। एंड अब यहाँ पे आएंगे तो हमारे कहता है कि प्लस माइनस, प्लस माइनस सेम स्टेप्स हैं। यहाँ पर भी माइनस हम करेंगे फोर इंटू आई टू माइनस आई वन इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, आई टू प्लस सिक्स इंटू आई टू माइनस सिक्स इंटू आई थ्री माइनस फोर इंटू आई टू प्लस फोर इंटू आई वन इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। इसको भी हम अगर सॉल्व करें तो टेन माइनस आई वन इंटू टू प्लस फोर आई वन माइनस फोर आई वन प्लस फोर टाइम्स आई टू इक्वल टू ज़ीरो। दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास। अब हम तीसरी, इसको हमने कह दिया नंबर टू। अब हम बात करेंगे नंबर थ्री की। यहाँ पे क्या आएगा, फोर इंटू आई थ्री प्लस ट्वेंटी वोल्ट प्लस सिक्स इंटू आई थ्री माइनस आई टू इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई थ्री प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्स आई थ्री माइनस सिक्स टाइम्स आई टू इक्वल टू ज़ीरो। ओके, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई, अब हमारे पास आ गई तीन इक्वेशंस। ओके, कैलकुलेटर में आप इनको डालें तीनों इक्वेशंस को। ओके, हमारे पास मौजूद है आई वन कई, ये आई टू, ये और आई थ्री इसमें नहीं है। पहले वाले में आई थ्री ज़ीरो है, सेकेंड वाले में आई वन भी है, आई वन आई टू है, आई थ्री है, आई टू है और आई फोर है। दूसरे वाले में हमारे पास आई वन नहीं है। उसके बाद हम बात कर ले आई थ्री है हमारे पास, आई थ्री आई टू आई थ्री। अब आई वन आई टू और आई थ्री हमारे पास तीन अननोन्स हैं। जब आप इन कैलकुलेटर में डालेंगे तो इन तीनों की वैल्यू आ गई, आई वन की कोई भी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल ये आ गई, आई टू की आ गई 2.91, आई थ्री की आ गई 3.1 एम्पेयर्स। ओके, अब तीनों की वैल्यूज़ आ गई, आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक, ये क्या हो गया, मैश करंट्स आ गया हमारे पास। अब अगर आपको कोई कहे कि इस सर्किट के अंदर इस एलिमेंट के थ्रू करंट फाइंड करें आई सिक्स, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है इसका, आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, आई टू माइनस आई थ्री, तो आई टू माइनस आई थ्री। आपने आई टू भी फाइंड कर लिया है, आपने आई थ्री भी फाइंड कर लिया है, तो आई टू माइनस आई थ्री करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी ब्रांच के थ्रू आप करंट फाइंड कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ओके, सो आपने सिंपल करना क्या है, मैश एनालिसिस में सबसे पहले आपने लूप्स आइडेंटिफाई करनी है, उनको पोलैरिटीज असाइन करनी है ब्रांचेस को, उसके बाद आपने केवीएल लगा देना है।
आप केवीएल लगाएंगे, जितनी लूप्स होंगी उतनी इक्वेशंस बनेंगी, उतनी इक्वेशंस होंगी तो आप उनको, या क्रेमर्स अगर आपके तीन से ज़्यादा इक्वेशंस बन रही हैं, तीन से ज़्यादा लूप्स हैं तो आप उनमें क्रेमर्स रूल लगा लें, अगर तीन से ज़्यादा इक्वेशंस नहीं हैं तो आप कैलकुलेटर के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जब आपका इक्वेशंस आ गई, अननोन्स आ गए, अननोन्स आ गए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। उसके बाद आपने सिंपली आपने जो है ना ये याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो ये माइनस ये होगा, अगर यहाँ फाइंड कर रहे हैं ये माइनस ये होगा। ओके, और इसमें तो वैसे भी करंट सेम होगा, इसमें तो वैसे भी करंट सेम होगा, मैं दो लूप्स के दरमियान वाली जो ब्रांच होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर करंट फाइंड करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर दो करंट फ्लो कर रहे होते हैं। ओके, सो हमने इस लेक्चर में सीखा कि मैश एनालिसिस क्या है। मैश एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं बेसिकली लूप्स में करंट फाइंड करने के लिए। आप मैश एनालिसिस को यूज़ करके, ये सर्किट एनालिसिस का मेथड है जिसके ज़रिए से आप लूप्स के अंदर, कम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर इजीली करंट को फाइंड कर सकते हैं, करंट को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने पांच स्टेप देखे, बेसिक पांच स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लूप्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, करंट कितने करंट्स हैं, कितने अननोन्स हैं, उनको आपने लेबल करना है। उसके बाद आपने पोलैरिटी असाइन करनी है, उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है। अगर आपके सर्किट में किसी भी पॉइंट पर करंट सोर्स मौजूद है तो उस करंट सोर्स को आपने कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में। ओके, और उसके बाद आपने केवीएल लगा देना है। ये सिंपल से कुछ स्टेप्स थे जिनको आपने फॉलो करना है और आपकी मैश एनालिसिस रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर आप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, थैंक यू।